एक वक्त था जब राखी के त्यौहार की अलग ही रौनक होती थी। राखी का सबको इसलिए इंतजार होता था कि सारी बहनें एक साथ इकट्ठी होंगी, ढेर सारी बातें होंगी और हंसी के ठहाकों से पूरा घर गूंज उठेगा। तो हमारी 6 नंदे हैं और हमारे घर का हाल ये था कि गली के कोने तक हंसी के ठहाके सुनाई देते थे। लेकिन अभी सबका इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, सब अलग अलग आ पाती हैं, आएंगी भी इतनी जल्दी कि खाना पीना भी कुछ नहीं हो पाता, बस फटाफट राखी बांधो और चलो। लेकिन कोई बात नहीं, बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के ये लोग आते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही। इसी तरह बस भगवान कृपा बनाए रखें और ये लोग आते रहें, अपना आशीर्वाद देती रहें। इस छोटी सी मुलाकात में भी खुशी का एक माहौल आ जाता है, खुशियाँ बिखर जाती हैं घर में, इतना भी काफ़ी है। और पता है कुछ लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जो ये रोना रोते हैं कि हमारी तो इतनी नंदे हैं अब आ जाएंगी, इतना खर्चा होगा। और सही बात तो ये है कि इन्हें मतलब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मान सम्मान और प्यार। जो बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, खाली इसी चीज़ की भूखी होती हैं बस, वो उन्हें माँ बाप का, अपने भाइयों का, भाभियों का प्यार मिलता रहे, यही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, जब भी आए खुशी से स्वागत कीजिए। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना हम बेटियों को अपनी बहनों को देते हैं उतना भगवान बरकत 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 देता है। तो आपके पास भगवान से ना हो ना देने के लिए अपना दुनिया के सभी भाई बहनों का प्यार ये भरपूर इसी तरह से बना रहे, यही काफी कृपा सब पे बनाए रखे, सभी आपस में खुश रहे और राखी का ये बंधन वक्त के साथ साथ और मजबूत होता जाए। जितनी बार राखी बांधो ना दीदी सबके नाम की, उतनी बार आशीर्वाद देना सबके नाम का। माता जी कैसी है? बर्फी बढ़िया भाई, मेरा सिर पा दे। हाँ सही बात लेना मेरा भाई। नमस्ते नमस्ते, ले बता। एक साथ मन लगा मेरा पूरा ना।
देखो नाराज हो गया सही में। वन लेट बांध दी बुक है अगली बार पहले बांध ना। पहले दीदी आप स्कूटर पे आते थे जी आप जी के साथ फिर सारे आके बाबा के पास बैठते थे है ना दीदी, फिर बाबा के पास बैठते थे सारे बाबा का कने बैठ कर जब चलो दीदी ससुराल खुशी दे भगवान मैं कुछ कर सिर्फ